नाजरीन DHA से निकल के अभी हम पहुंचे हैं वॉल्टन की 7th Street। ये बाजार है। आपको सलके के बारे में मजीद बताता चलूं कि सलके के अंदर पीपी की दो सीटें आती हैं, PP161 और PP162। PP161 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मलिक नदीम अब्बास कामयाब हुए हैं और PP162 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के यासिन आमिर कामयाब हुए हैं, जिन्होंने एक बड़े नाम यानी कि अब्दुल अलीम खान को शिकस्त दी है। अब्दुल अलीम खान को शिकस्त हो चुकी है, तवक्को ये जाहिर नहीं की जा रही थी कि अब्दुल अलीम खान साहब हार जाएंगे। भाजन क्या हाल है, उठ जाओ कि जरा आराम कर रहे हो तुम, क्या हाल है? ठीक हो? वोट पाया जी? हाँ जी। किन्नू? PTA ने वोट पाया जी। इमरान खान साहब जीत गए? हाँ जी। खुश हो? लेकिन सीट छाट दी उन्होंने, वही गल जिमनी इलेक्शन होने के ते उन्होंने बंदा ही होएगा कामयाब, जीतेगा फिर भी हो। अच्छा पक्की गल है? इंशाल्लाह। साद रफीक साहब जड़े कहंदे ने खदशे कहने मेनू दोबारा खोला जाए हल्का, बस उनकी अपनी मर्जी है हर बंदे की। चले मुझे आप ये बताएं कि आप क्या उम्मीदें हैं इमरान खान की गवर्नमेंट से? इंशाल्लाह ताला बहुत फर्क होगा। पक्की बात है? इंशाल्लाह। ले जी बहुत फर्क होगा। आप बताएं जी वोट? मैं ये मुस्लिम लीग को पाया सी। मुस्लिम लीग को पाया सी? मुस्लिम लीग इधर क्यों आ रही है? ये अपनी अपनी किस्मत होती, दो पहलवान को हल्दे उन्होंने, एक ने तो ढह नहीं, एक ने तो ढह नहीं है। ठीक है, ये तो इंसाफ वाली गल है। ठीक है, लेकिन जो सियासतदान ने हाँ उन्होंने बस रुपये कटने के चक्कर से उन्होंने ये नहीं पता कि आवाम साड़ी पछाण है, महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, चीनी पत्ती तमाम चीज़ा सस्ती होनी चाहिए। चलो नवी गवर्नमेंट बननी, कोई हुकूमत को मैसेज दोगे? कोई वो मैसेज मैं दे दूंगा इमरान खान को, अगर जो वो करेगा काम। तुम सुन रहे ने, दो मैसेज अगर वो करे दसो ना मैसेज। ठीक है, तुसी दसो के सुनेगा पाकिस्तान के बेवा औरतों को पैसे देने चाहिए। ठीक है ना, पर ठीक है, ठीक है, उसके बाद गरीब आदमी जो किराया तो फिर रेंदे ने जिन्हें कोई मसायल नहीं है उन्होंने हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, मुतलका इलाका MNA MPA जो ने उन्होंने सुपुरदारी की जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाओ। चलो बहुत शुक्रिया, ताड़ा मैसेज पहुंच गया खान साहब आप तक, मैसेज पहुंच गया इनका। गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए काम करना चाहिए आपको और महीने के फंड उनको देने चाहिए। सामने को कैसे हैं आप, किधर घूम फिर रहे हैं आप? अपने इलाके में। अच्छा, आपके इलाके से शेर हार गया, आपने किसको वोट किया था? सच पूछो तो शेर को दिया था। अच्छा, क्यों हारे हैं यहाँ से? यहाँ से क्यों हारे हैं ये तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वही जानती है। अच्छा हाँ। बड़ा कम मार्जिन है, छोटा सा कम सा मार्जिन तो है, कैसे है मार? ये बताएं क्या उनको नजर नहीं आ रहा है किसने काम किया इसने, ये 5 साल में कितना काम किया उसने? अच्छा शेर ने, ठीक है ये काम करेंगे इनका भी देख लेंगे, 90 दिन का टाइम दिया है ना। हाँ, देख लेंगे 100 दिनों का टाइम दिया। हाँ, तो फिर अच्छा मुझे बताएं कि अगर अच्छे काम करते हैं ये 100 दिनों में अच्छे काम कर देते हैं आपकी तवक्को के मुताबिक या बरक्स, फिर क्या करेंगे आप? जाहिर है जैसे ये उन्होंने 10 साल चलाया इस तरह ये अभी चलाएंगे, फिर आप इनको सपोर्ट करेंगे? जाहिर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हर चीज़ की जब सहूलत होएगी हाँ, वो भी गरीब को। ठीक है, जाहिर है गरीब पूछे। ठीक है जी, नो वोट दिया इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज पे, लेकिन अगर सहूलत होगी तो फिर आपकी तरफ आ सकते हैं ये। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वोट दिया था आपने किसे? PTI को। PTI यहाँ से जीत गई इमरान खान साहब, गवर्नमेंट बन गई उनकी, क्या उम्मीद है आप? ये कि बेहतर काम करेगी। क्या काम बेहतर करना चाहिए, कोई मैसेज दें आप? मुल्क के जो है यहाँ पे लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी का मसला है, वो ये कि बेहतर काम करें। इसके अलावा बच्चों की तालीम कैसी है? बच्चों की तालीम के लिए भी मसला, बच्चों की तालीम। ठीक है, और नून लीग के बारे में कुछ कह रही थी आप? नून लीग ने आगे थोड़ी तबाही हो चाहिए कि पहले भी 5-4 दफ़ा देख लिया हमको, आप इसको भी आजमाते हैं, नए बंदे को आना चाहिए। अच्छा, आपने वोट खुद दिया या आपको किसी ने मोटिवेट किया कि आप घर से बाहर निकले? अपना हमारी बात, खुद आप निकली हैं। हाँ साहब, आपने मोटिवेट किया, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ खवातीन जब वोट देती हैं बड़ी खुशी होती है कि खवातीन घर के काम छोड़ के बाहर निकलती हैं, वोट करती हैं और फिर आपको जितवाया भी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने काम करने। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? वोट किया था आपने जी? किसको? PTI को वोट किया। हाँ साहब, मैं अभी वही बात कर रहा था जिन्होंने PTI को वोट किया, क्या उम्मीदें अब आपकी इमरान खान साहब से? उम्मीदें तो बहुत है, अगर वो पूरा उतरे तो। क्या क्या बताएं ना जरा, हमें भी पता चले क्या उम्मीदें, क्या अब आपकी क्या मतलब? ये जो इतनी महंगाई चल रही है ये खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा हालात बेहतर होने चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, महंगाई हो गई। इसके अलावा कोई मैसेज देंगे आप इमरान खान साहब को? बस जो उन्होंने बोला वो अपने पूरा। ठीक है इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जी? हाँ जी ठीक ठाक हो, जरा इधर नु जरा थोड़ा सा मुड़ दो मेरे वाल ना, बेटा पूछो क्वेश्चन। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ? ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋਣ ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਬੱਲੇ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕਹੋਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਖੇਲੀ ਜੇ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਿਓ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇ ਲੈਟ ਜਾਂਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰੇ ਸਹੀ ਕਰੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕੋਂ ਔਰ ਪੁਲੋਂ ਪੇ ਬੜਾ ਕਾਮ ਕੀਆ ਤੋ ਇਨ ਖਾਤੂਨ ਕਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਔਰ ਵੋ ਮਸਲੇ ਜੋ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੋ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਆਪਨੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਆਪਕੋ ਦੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮ ਹੋ ਸਕੇ ਵੋਟ ਦਿਆ ਤਾ ਆਪਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦਿਆ ਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ ਅੱਛਾ ਅਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਛੋੜ ਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਪੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ वो पांच सीटें थी उनके पास एन ए की और एक रखना लाजम था बाकी छोड़नी पड़नी थी ये वाली सीट छोड़ दी है इस पर दोबारा इंतखाब होगा जिसे जिम्न इंतखाब कहते हैं अच्छा। तो आपको दोबारा वोट देना पड़ेगा दोबारा किसको वोट देंगे पीटीआई को गवर्नमेंट बन की तरीके इंसाफ की क्या उम्मीदें आप क्या बहुत काम करना चाहिए बहुत अच्छी और इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे अगर काम ना किया फिर करेंगे क्यों नहीं करेंगे फिर भी यकीन तो करना पड़ता है ना क्योंकि सियासतदान यही करते हैं ना पहले वादे करते हैं बाद में काम करते हैं नहीं इंशाल्लाह ये ऐसे सियासतदान नहीं है पीटीआई करके दिखाएगी पीटीआई करके अब अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको किसी ने घर में से इंसिस्ट किया कि वोट कास्ट करें आप या आपने खुद हमने देखा पार्टी अच्छी है वर्कर्स उसके अच्छे हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो है उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये मुल्क पाकिस्तान जो है मजीद ये हम भी अच्छी उम्मीद करते हैं बहुत शुक्रिया आपका खान साहब आपसे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं और सामने कौन थी कैसी हैं आपने वोट किया था वोट लाजमी दिया करें अच्छा जी इनका वोट सियालकोट का था और कह रही है की अफसोस हुआ की मैं वोट नहीं दे सकी क्योंकि वोट देने के लिए सियालकोट जाना पड़ना था लेकिन दूसरी तरफ एक इनसे पहले खतून से बात की तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की गुफ्तगू की उन्हें पता था की उनका फर्ज है वोट देना और इसलिए वोट कास्ट किया उन्होंने सामने को कैसी हैं आप क्या खरीदा है शॉपिंग की है वैसे घर की चीज़ आप महंगे तो नहीं मिले नहीं अच्छा वोट दिया था आपने हाँ जी किसको नवाज शरीफ को नवाज शरीफ यहाँ से क्यों आ रहा है यहाँ से ये मुझे नहीं पता आपको नहीं पता आपने वोट किया था नूली को किया नूली को वोट किया था गवर्नमेंट बन की तरीके साथ कोई उम्मीद है अच्छी उनसे उम्मीद तो है लेकिन आगे देखिए क्या होता है इनको है ये क्या लगती है आपकी अम्मी है अम्मी है अच्छा जी बेटी को उम्मीद है लेकिन अम्मी को कोई उम्मीद नहीं है आपको वैसे क्यों उम्मीद नहीं थोड़ा सा इधर आ जाओ आपको क्यों उम्मीद नहीं है नहीं ऐसे लोग हुकूमत नहीं कर सकते वो कह रही है ऐसे लोग हुकूमत नहीं कर सकते देखिए एक चांस दे के देखते हैं क्या होता है हो सकता है बेहतर हो इमरान खान हमारे बहुत शुक्रिया आपका वोट किया नून लीग को लेकिन उम्मीद फिर भी है सामने को वोट दिया था किसको नून लीग को वोट दिया था यहाँ से हार गए ख्वाजा साद रफीक साहब थोड़े मार्जिन से हारे हैं वो लेकिन तांत्री हुई है अच्छा हाँ 600 वोटर से वो जीत रहे हैं अगर वो गिनती उसमें करते हैं तो वोट तो बिल्कुल नहीं बचते चले अब तो दोबारा इंतखाब होगा ना इंतखाब होगा तो इंशाल्लाह ताला नूरी की जीते अच्छा पक्की बात है पक्की बात अच्छा गवर्नमेंट बन गई ओवरऑल तरीके इंसाफ की लेकिन उम्मीद तो सब लोगों के अच्छे काम करेंगे तो सब लोग साथ देंगे सही आप भी फिर साथ देंगे अगर अच्छे काम किए तो जाहिर है क्यों नहीं साथ देंगे बहुत शुक्रिया आपका अगर अच्छे काम किए तो साथ ये भी देंगे भाई क्या हाल है ठीक है आपने किसे किया वोट पीटीआई क्यों वोट किया पीटीआई जाहिर सी बात तब्दीली आनी चाहिए न्यू बंदा है ट्राई करना चाहिए चले अब तब्दीली आ गई ना वजीर आजम भी बन गए क्या अब करना चाहिए उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए बल्कि क्या तरजीही बुनियादों पर क्या करना चाहिए उन्हें मेन जैसे हमारे डैम का इशू चल रहा है अब इलेक्ट्रिसिटी का बात कर दी है डैम की सबसे पहले तो उन्हें उन पर फोकस करना चाहिए जिस वजह से हमारी इलेक्ट्रिक सिटी जितना प्रॉब्लम कर रही है अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है पहले कंट्रोल हो गया बिल्कुल ऐसी है इन्हें सबसे पहले डैम पे काम करना चाहिए बाकी ओवरऑल मुल्क है अच्छा आप मुझे आप ये बताएं कि बड़ी कम मार्जिन से इमरान खान साहब यहाँ से जीते थे जी जी अब दोबारा इलेक्शन होगा सिर्फ 680 वोटों का फ़र्क बड़ा मामूली सा फ़र्क है तो अब क्या उम्मीद है जो अगला कैंडिडेट होगा वो जीतेगा या मुस्लिम लीग नवाज जीतेगी यहाँ से इंशाल्लाह जिसकी जैसी परफॉर्मेंस है वैसे तो पीटीआई को फुल सपोर्ट है ठीक है पीटीआई को जी पीटीआई को फुल सपोर्ट है सामने को
कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। शॉपिंग करने निकले हैं जी। अच्छा, वोट दिया था आपने जी? किसे? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को। वैसे खवातीन ने मोस्टली हमने पूछा तो इमरान खान साहब की फैंस पीटीआई को वोट किया, क्यों आखिर वोट किया आपने पीटीआई को? वो इसलिए देखिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आगे आने वाला वक्त वो ठीक होगा। महंगाई से तंग आ गए हुए थे, महंगाई बहुत अरूज पे चली गई हुई थी और जो गुंडागर्दी बदमाशी थी वो उस पर जो है ना वो चीज़ ख़त्म की जाएगी जो अब भी अरूज पे है, गुंडागर्दी बदमाशी जो की जाती है। वैसे हम इमरान खान से बहुत सी उम्मीदें हमें वाबस्ता हैं कि वो आएँ और इस पाकिस्तान में जो अच्छा मुझे आप ये बताएं, अगर इमरान खान साहब, आपने जितनी बातें की बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने, ये मसाइल बाकी हैं, अगर ये मसाइल हल ना हो फिर भी इनकी गवर्नमेंट में फिर मसाइल ना हल हुए तो नहीं, वो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब करेंगे और वो उनकी एक टीम अच्छी है, मैं 15 साल से उनके साथ काम भी कर रही हूँ। अच्छा। और अच्छे अच्छी पार्टी और अच्छी टीम है उनकी। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। वोट दिया था आपने किसे? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों वोट किया आपने? पसंद करते हैं। अब क्या उम्मीद है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से आपको? इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। अगर अच्छे काम ना किए फिर? नहीं, उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ जी, यकीन है, बच्चों को भी पसंद है। अच्छा, आपको क्यों पसंद है वैसे? आपका वोट तो नहीं बना हुआ, बता दो क्यों इमरान खान साहब क्यों पसंद है आपको? उन्होंने तो बहुत नारे लगाए हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों नारे लगाए इमरान खान साहब के? पसंद है तो क्रिकेटर भी पसंद है। ठीक है जी। अच्छा जी, खवातीन से हम बात कर रहे थे और बच्चे भी हैं, खवातीन कह रही हैं कि हम दोनों में भी जाते रहे हैं, फुल सपोर्ट करते रहे हैं इमरान खान साहब को, और क्योंकि इमरान खान साहब क्रिकेटर भी रहे, वर्ल्ड कप जितवाया, तो बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। वोट दिया था किसे? शेर को। शेर को। शेर यहाँ से क्यों आ रहा? हारा नहीं, हराया गया है। हराया गया है। हराया गया है। अच्छा, अब दोबारा से इंतखाब होने वाला है, इलेक्शन दोबारा से होने वाला है ना, यहाँ से ही? इमरान खान ने क्योंकि सीट छोड़ दी है ये वाली, तो अब क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह साद रफीक जीतेगा। जीतेगा साद रफीक साहब, मुश्किल ही है, वो कह रहे हैं कि शायद वो जो साबिक वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो यहाँ से लड़े, कोई भी लड़े जीतेगा इंशाल्लाह। शेर जीतेगा। अच्छा, ओवरऑल गवर्नमेंट बन गई तरीके इंसाफ की जी, उनकी गवर्नमेंट से कोई अच्छी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो होनी चाहिए हर इंसान को। सही है, समझ आई, जो उसने वादे किए हैं वो पूरे करे तो फिर ही अच्छी अच्छी। अच्छा, अगर वादे उसने पूरे कर दिए फिर? अच्छा है, फिर अच्छा है, क्योंकि जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है अच्छा है, वो इंसान अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बारे में सोचता है वो अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वोट किया था आपने जी? किसे? इमरान खान। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन गई है जी, क्या उम्मीद है आपको? अब क्या करना चाहिए खान साहब को? अभी उनको आप सताई करनी चाहिए, जो चीज़ें बरसों से बिगड़ी हुई हैं दे शुड इम्प्रूव। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? वैसे सब है, स्टडीज में है, हेल्थ में है, ये आपके डेकोटीज जो है वो फिरते हैं खुले, कहीं पे किसी को इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, अगर अगर इंसाफ अभी भी ना मिला किसी को, अगर अभी भी सिस्टम वही रहा, चेंज ना कर पाए, फिर क्या करेंगी आप? फिर कोई और आ जाएगा, देन वी विल थिंक अबाउट। ओके, अगर आपने सिस्टम चेंज ना किया तो फिर आवाम सोचेगी और इस दफ़ा गौर से सोचेगी, फिर फैसला करेगी। सदर साहब सलाम। सदर साहब कहाँ से सदर हो तुम? मार्केट से। अच्छा, किन्नू वोट पाया जी? वोट के नाम इमरान खान। इमरान खान की उम्मीद है इमरान खान की गवर्नमेंट बन गई है, बेहतर हो जाएगा सारा। अगर बेहतर ना होया फिर? ना आया तो सोचा, फिर सोचोगे? हाँ जी, आप बताएं। हमने शेर का वोट डाला था। अच्छा, वही तो खैर नहीं, इमरान खान साहब आ गए हैं। हाँ, पहले साहब लाइट नहीं जा रही थी। अच्छा, काम पीके छुपे करते हैं तो अब आई है, थोड़ी सी लाइट जाना शुरू हो गई है। पहले भी तो लाइट जाती थी, ये तो मसला बड़े पुराना है। कम जाती थी। ये तो खैर बिजली होगी तो आएगी ना, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं जो अच्छा। जितने वो बातें उन्होंने की हैं उन्हें करेंगे, तो हमें ये नहीं कि नवाज शरीफ खाने को देना, ये इमरान खान ने सही है, जो यहां से कमा लिया जो काम करेगा आपका वो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए जी, जो काम करेगा आवाम का वो बेहतर होगा। पहले नून लीग वालों ने काम नहीं किए लोगों के बकौल, इसलिए आप जीते हैं, और अगर आप काम करेंगे तो फिर आप ही जीतेंगे आगे।